17 क्वेश्चन है, क्या दे रहा, क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ द रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप फॉर टू वेवलेंथ लेमडा वन एंड लेमडा टू। अच्छा, माइक्रोस्कोप के लिए ऑप्टिकल क्या रिजॉल्विंग पावर, माइक्रोस्कोप के लिए रिजॉल्विंग पावर क्या होता है, ये आप क्या होता है रिजॉल्विंग पावर, रिजॉल्विंग पावर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वन, रिजॉल्विंग पावर मैंने क्या बोला, रिजॉल्विंग पावर जो होता है वन, रिजॉल्विंग पावर आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई लेमडा, क्या बोल रखा उनके लेमडा वन लेमडा टू दे रखे, तो आर वन बाई आर टू का जो रेशियो हमारे पास आएगा वो पूछ रहा है, आर वन बाई आर टू का क्या रेशियो आएगा। ओके ठीक है, हम सॉल्व करते हैं इसको, तो इसको हम आगे लेके बढ़ेंगे, ये हमारे टूल्स है और इसी को हम यूज करेंगे। तो आर वन बाई आर टू मतलब क्या होगा, आर वन बाई आर टू इक्वल टू लेमडा टू डिवाइड बाई लेमडा वन। ओके, लेमडा टू क्या है आपका, लेमडा टू है 6 1 2 3 3 टाइम 0 एंड लेमडा टू आपका लेमडा वन है 4 0। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना है आर वन और आर टू का रेशियो जो आया आपका 3:2, आर वन एंड आर टू का जो रेशियो आया 3:2, ये आपका आंसर है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, NEET 2017 में पूछा गया था। ओके, थैंक यू।